हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का पीरियड है। यंग साइंटिस्ट सेकंड क्लास, ओपन योर बुक। हम चैप्टर 4 रीड कर रहे थे, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स के बारे में हम रीड कर चुके थे। आज हम यहाँ से रीडिंग शुरू करेंगे, पेज नंबर 37, फोर्थ चैप्टर, पेज नंबर 37। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में हमने रीड किया था। अब हम उनकी फूड हैबिट्स के बारे में रीड करेंगे कि वो कैसा खाना खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, क्या खाने की आदतें हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स वी कैन क्लासिफाई देम एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। फिर से रीड करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। Based on their food habits, we can classify them as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. क्या मीनिंग है? Different animals have different food habits. कि अलग अलग तरह के animals की अलग अलग तरह की food habits है। ऐसा नहीं है कि सभी animals एक ही तरह का खाना खाते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले तो आप यही समझ लीजिए बस कि सभी एनिमल्स एक तरह का ही खाना नहीं खाते। कि अगर शेर मांस खा रहा है, दूसरों को मार कर खा रहा है, तो सभी एनिमल्स ऐसा करते हैं क्या? गाय हम अपने घर में रखते हैं, वो भी ऐसा करती है? डॉग हैं, चल डॉग नहीं, कैट, जो भी है, ऐसा तो नहीं होता ना। लॉयन तो इंसान को भी मार देता है, लेकिन एक कैट तो ऐसा नहीं कर सकती। तो सभी एनिमल्स की एक जैसी फूड हैबिट्स नहीं है। आपने बर्ड्स को देखा है? बर्ड्स की तरफ ध्यान से देखिए, आपकी छत पर बर्ड्स आते हैं, आप उनके लिए सीड्स छत पर गिरा देते हो, तो वो वही सीड्स खाते हैं। हमने रीड भी किया था। तो डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड हैबिट्स है। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स वी कैन क्लासिफाई देम एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। तो जो उनकी फूड हैबिट्स है, उसके ऊपर ध्यान दे करके, उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स। इनके मीनिंग हम अभी आपको बताएंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फूड हैबिट्स के बेस पर एनिमल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और स्कैवेंजर्स। ये फूड हैबिट्स के बेस पर डिपेंड, फूड हैबिट्स के बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले है हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो घास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, पत्तियां, और क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। देखा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते। ऐसे एनिमल्स भी हैं जो या तो घास खाते हैं, या लीव्स खाते हैं, या ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स। उन एनिमल्स को क्या कहेंगे? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, तो उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स का दूसरा नाम क्या हुआ? हर्बीवोर्स। तो आप याद रख सकते हैं हर्बीवोर्स का मीनिंग क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एलिफेंट, जिराफ, हिप्पोपोटामस, जेब्रा एंड मंकी आर सच एनिमल्स। तो ये जो अपने नाम रीड किए हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके नाम क्या हैं? एलिफेंट, जिराफ, हिप्पोपोटामस, जेब्रा, मंकी। ये पिक्चर देखिए आप, ये जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, ये जेब्रा है। ये सभी ग्रास, लीव्स या फिर ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स को कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कह दो एलिफेंट सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खाते हैं ये। इनको कहने का मतलब ये है, ग्रीन प्लांट्स में, प्लांट्स के ऊपर अगर मान लो फ्रूट लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, तो वो उनको भी खाते हैं। ऐसा थोड़ा ना सिर्फ लीव्स उसमें से छांट छांट कर खाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स का मांस नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स को मार करके उन्हें नहीं खाते।
इट मीन्स ये जैसे हम कहते हैं ना वेजिटेरियन है हम, कि हम तो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, ऐसे ही ये भी तो वेजिटेरियन हुए क्योंकि ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, लीव्स, ग्रास, ग्रीन प्लांट्स, इन्हें हमने क्या कहा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। एलिफेंट इज द बिगेस्ट हर्बीवोर, इट कैन ईट अप टू 170 केजी ऑफ लीव्स एंड ग्रास एवरी डे। एलिफेंट सबसे बड़ा हर्बीवोर है, सबसे बड़ा हर्बीवोर यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल। हर्बीवोर का मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल, जो एनिमल प्लांट्स खाता है उसमें सबसे ज़्यादा प्लांट खाने वाला कौन है, एलिफेंट। इट कैन ईट अप टू 170 केजी ऑफ लीव्स एंड ग्रास एवरी डे। एक एलिफेंट 170 किलोग्राम लीव्स या फिर ग्रास, लीव्स हो, ग्रास हो, प्लांट्स हो, प्लांट्स के प्रोडक्ट हो, एवरी डे हर रोज खाता है। ये देखिए एलिफेंट हर रोज कितना खाना खाता है, 170 किलोग्राम। इसीलिए एलिफेंट क्या है, सबसे बड़ा हर्बीवोर, सबसे ज़्यादा प्लांट खाने वाला ये एनिमल है एलिफेंट। तो आपको याद रखना है बिगेस्ट हर्बीवोर कौन है, एलिफेंट। आगे आते हैं कार्निवोर्स पे। कार्निवोर्स, देयर आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। दे किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। लायन, फॉक्स, वॉल्फ एंड क्रोकोडाइल आर सम सच एनिमल्स। देयर आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब कह रहे हैं, बताया क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, फ्लैश मीन्स मांस, उनको मार करके उनका मीट खाते हैं। ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अपने से छोटे एनिमल को मार देते हैं फिर उनका फ्लैश खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। जो फ्लैश खाते हैं उन्हें क्या कहा, फ्लैश ईटिंग। जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें प्लांट ईटिंग। देखा कितना आसान है, जो फ्लैश खा रहे हैं उन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का मतलब कार्निवोर्स, कि उन्हें या चाहे कार्निवोर्स कह दो चाहे प्लांट ईटिंग एनिमल्स कह दो। दे किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। वे क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारते हैं। दे किल अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को मार करके ईट देयर फ्लैश, उनका मांस खाते हैं। जैसे लायन, फॉक्स, वॉल्फ, क्रोकोडाइल आर सम सच एनिमल्स। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे लायन, आपको पता है ना लायन तो हमेशा ही फ्लैश खाता है, ये कभी भी घास फूस नहीं खाता लायन, ये दूसरे एनिमल्स को मार कर ही खाता है। शेर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, और वॉल्फ मीन्स भेड़िया, ये देखिए यहाँ पर है ये वॉल्फ, एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। लायन, क्रोकोडाइल, वॉल्फ ये, और साथ में फॉक्स भी, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स। तो हमने टू टाइप्स के एनिमल्स रीड किए हैं, एक तो हर्बीवोर्स और एक कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो हर्बीवोर्स के एग्जांपल क्या है, एलिफेंट, जिराफ, हिपोपोटामस, जेब्रा, मंकी। कार्निवोर्स के हमारे एग्जांपल है लायन, फॉक्स, वॉल्फ, क्रोकोडाइल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 38 पेज नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको। सबसे पहले हमारे पास है ओमनीवोर्स। टू टाइप्स के तो एनिमल रीड कर चुके हैं हम, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, थर्ड टाइप है ओमनीवोर्स की। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे बियर है, क्रो है, ये दोनों चीज़ें खाते हैं। बोथ का मतलब दोनों चीज़ें, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी, ये प्लांट्स को भी खा लेते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। इन एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोर्स। इट मीन्स ओमनीवोर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे एनिमल्स
दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं वो क्या हुए? ओमनिवोर्स. उनके एग्जाम्पल क्या हैं? क्रो, बियर. बियर मीन्स भालू. भालू और कौवा ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ओमनिवोर्स का मतलब आप याद रखेंगे, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. तो ये थे हमारे ओमनिवोर्स. नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स. अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. देयर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. वल्चर, वाइल्ड डॉग, हाइना एंड जैकल आर सम सच एनिमल्स. They help us in keeping the jungle clean. There are also animals that eat the flesh of dead animals. कुछ ऐसे animals भी हैं जो वैसे animals को नहीं मारते कि पहले उसको मारेंगे फिर खाएंगे. जैसे शेर है, पहले मारेगा उसके बाद खाएगा. लेकिन कुछ ऐसे animals हैं जो मरे हुए animals का मांस खाते हैं, जो उन्हें मरे हुए मिल जाते हैं, डेड एनिमल्स मिल जाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं. ये दूसरे एनिमल्स को खुद से नहीं मारते, मरे हुओं का फ्लैश खाते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स. जो कि मरे हुए डेड एनिमल्स का मांस खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं. वल्चर, वाइल्ड डॉग, हाइना एंड जैकल आर सम सच एनिमल्स. ये कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं. आप पिक्चर देखिए, ये वल्चर है, जैकल, हाइना और वाइल्ड डॉग. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं. मीन्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं लेकिन डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो उन्हें मरे हुए मिल जाते हैं उन्हें खाते हैं. दे हेल्प अस इन कीपिंग द जंगल क्लीन. ये एनिमल्स हमारी हेल्प भी करते हैं. किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कीपिंग द जंगल क्लीन, जंगल को साफ रखने में. आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, आप जंगलों में हम लोग सफाई करने नहीं जाते हैं. सड़कों पर हम सफाई करते हैं, स्वीपर्स रखे हुए हैं हमने, लेकिन जंगलों में हम लोग सफाई करने नहीं जाते. वहाँ पर अगर कोई एनिमल मर जाता है, एनिमल ऐसा तो नहीं है एनिमल कभी नहीं मरेगा. कोई भी एनिमल पैदा हो गया है अब वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं होता. एक लाइफ टाइम होता है, पीरियड होता है, लाइफ पीरियड. उसके बाद हर एक की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहता. तो जब कोई भी एनिमल मर जाता है तो वो जंगल में पड़ा रहता है. उसे वहाँ से हटाने वाला या उसको मिट्टी में दबाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं जाते हर रोज़. तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? इन घूमते रहते हैं ये भोजन की उसमें, फूड की तलाश में, कि हमें भोजन मिलेगा हम खाएंगे. तो जब इन्हें कोई ऐसा एनिमल मिल जाता है तो ये उसे खा जाते हैं और वहाँ से सफाई हो जाती है. तो इस तरीके से ये जंगल को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं. तो आज तो हम यहीं तक रीड करेंगे. आगे एक बार ब्रेन टीजर देखते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो स्कैवेंजर्स ऑन द अर्थ. कि अगर कोई स्कैवेंजर ही ना हो अर्थ पर तो क्या होगा? तो आपको पता है ना, जंगलों में बदबू हो जाएगी. अब एनिमल कोई मर गया है, उसे हम खाएंगे नहीं, तो वहाँ पर वो पड़ा रहेगा. और कितने दिनों तक पड़ा रहेगा? उससे सारे जंगल में गंदी स्मेल हो जाएगी और वो सबको नुकसान पहुँचाएगी. तो ये स्कैवेंजर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं. ओके, चेक एंड प्रोसीड. अब हम ये करते हैं कि हमें ये दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, साथ में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है. बर्ड्स डैश हेल्प देम टू फ्लाई. आप बताइए बर्ड्स के पास क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो उड़ते हैं? फेदर्स, विंग्स, क्लॉज. किसकी बात आई थी हमारे लेसन में? विंग्स की. बर्ड्स विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, तो विंग्स पर टिक करेंगे. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, बताइए, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. यहाँ देखते हैं, आया था ना फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोर्स, क्या कहते हैं उन्हें? कार्निवोर्स में आया था फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स.
तो हम भी कार्निवोर्स को टिक कर देंगे, आप भी अपनी बुक में कर लीजिए। अ डैश इज नॉट अ कार्निवोर, इनमें से कौन ऐसा है जो कार्निवोर नहीं है? कार्निवोर कौन होता है? जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाता है। तो फॉक्स तो खाती है, जेब्रा, जेब्रा नहीं खाता। जेब्रा हमारा किस में आया था, देखिए पिक्चर, ये है जेब्रा। जेब्रा हमारा हर्बीवोर्स में आया था, प्लांट ईटिंग एनिमल्स में। तो जेब्रा कार्निवोर नहीं है, आप जेब्रा पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओमनीवोर्स ईट। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? प्लांट्स खाते हैं जो, या जो एनिमल्स खाते हैं? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखते हैं ओमनीवोर्स, हमने अभी अभी रीड किया है, ये रहा ओमनीवोर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा हुआ है ना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्या है? ओमनीवोर्स। तो आप भी ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पर टिक करेंगे। स्कैवेंजर्स ईट डैश, स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं? अभी अभी बताया है, ग्रास खाते हैं? नहीं, डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। तो आज आप अपनी बुक के अंदर ही इन्हें करेंगे, और साथ में ये करने के बाद आप मॉर्निंग में भैया को ये बुक देंगे ताकि मैं चेक कर सकूं, और आपको अपना लेसन यहाँ तक, यहाँ से लेकर, एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और फिर आप भी रीडिंग करेंगे बैठ करके। पहले फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स वी कैन क्लासीफाई देम एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर्स, सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स, they are called plant eating animals or herbivores. Elephant, giraffe, hippopotamus, zebra and monkey are such animals. Elephant is the biggest herbivore. It can eat up to 170 kilogram of leaves and grass every day. Carnivores, there are animals that eat the flesh of other animals. They are called flesh eating animals or carnivores. They kill other animals and eat their flesh. Lion, fox, wolf and crocodile are some such animals. Omnivores. Animals like bear and crow eat both plants and animals. These animals are called omnivores. Scavengers. There are also animals that eat the flesh of dead animals. Such animals are called scavengers. Vulture, wild dog, hyena, and jackal are some such animals. They help us in keeping the jungle clean. तो यहाँ तक आप read करेंगे और फिर अपनी exercise करेंगे. Have a nice day.